नमस्ते माय इन्वेस्टर, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। डियर, अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके और आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ओपन माइंड हो जाए। और यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए है। क्रश हो, लवर हो, या फिर आपके एक्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सोलमेट हो, ट्विंस हो, ठीक है, सबके लिए है। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए, माइंड सेट करें और जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उनके बारे में आप सोचें। ठीक है, तो कमिटमेंट को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेने वाले हैं, तो कॉफी प्रोडक्शन से मैं यहाँ देखना चाहूंगी। ठीक है, कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे। चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए और रिलैक्स हो जाए। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे देखा जाए किसी चीज का डर है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन के अंदर जो है एक डर है। डर किस बात का है? सबसे बड़ी बात यहाँ की इनके अंदर जो डर है आपको खोने का है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो भी हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो भी नहीं सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ आपकी जो एनर्जी है, कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो, कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कभी वहीं पे जाकर स्टक हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी आपकी एनर्जी में हाई वाइब्रेशन होती है, हैप्पीनेस आती है, फिर थोड़ी देर के बाद आपकी मूड स्विंग्स होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए डियर, कमिटमेंट को लेकर तो अलग बात है इनके मन में, लेकिन दरअसल ये इस वक्त चाहते हैं कि इस दूरियों को खत्म कर दें। ठीक है, सबसे बड़ी बात कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ही सोच रहे हैं, और जो भी सोच रहे हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इलेवन इलेवन की एनर्जी है। ठीक है, ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, मैरिज। ठीक है, ट्रेडिशनल ढंग से आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप वीडो भी हो या फिर सिंगल हो, या फिर हो सकता है आपके बच्चे हो। ठीक है, और वजह आ रही आप दोनों के रिश्ते में पेरेंट्स इशू। ठीक है व्यूअर्स, हो सकता है इवन कि यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आपने बहुत मन्नतें मांगी है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये बताता है सेलिब्रेशन। व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात पेरेंट्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका मैरिज हो, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं, ट्रेडिशनल ढंग से मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पर्सन डर रहे हैं आपके मतलब आपको लाइफ में वो पाना चाहते हैं, दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज है व्यूअर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेवन इलेवन की जो एनर्जी बनी है, आप लोग देख रहे होंगे, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको इस वक्त प्यार महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है व्यूअर्स, आपके पार्टनर अभी इस वक्त अपने लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी गुजर रहे हैं। ठीक है, जहां कहीं ना कहीं वो स्टक वाली एनर्जी है, और इनके ऊपर लीगल इशू भी चल रहा हो डियर। ठीक है, कुछ ना कुछ लीगल इशू का केस चल रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। और आपके पार्टनर उस तरफ बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, वो चाहते हैं आपको जस्टिस देना। ठीक है, अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये बातें भी छुपा रहे हैं। लेकिन प्लानिंग है इलेवन इलेवन की, यानी फोर ऑफ वॉन्ड्स की, सेलिब्रेशन कमिटमेंट की। आपके पर्सन के दिल में ये कुछ चल रहा विवर की, पूरे रीति रिवाज के साथ ट्रेडिशनल ढंग से आपको वो एक्सेप्ट करें। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ इनकी फैमिली आपके साथ बिल्कुल विश्वास करोगे कि आप दोनों को एक होने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके दिमाग में है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हो। ठीक है,
अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आपके हस्बैंड वाइफ को अलग किया गया, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स आ रहे हैं, सिस्टर आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्रदर इन लॉ भी आ रहे हैं व्यूवर्स, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो कुछ के पार्टनर की आंखों पे पट्टी अभी भी बंधी है, जो जैसा बोल रहा है वो वैसा ही सुन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग की पहले मैरिज हो चुकी है, ठीक है, सेलिब्रेशन हो चुका है, हो सकता है कि कमिटमेंट हो चुकी है और कमिटमेंट टूटने की आगार पर है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर डर इस बात का है कि आप उनके लाइफ से चले ना जाओ, ऐसी भी एनर्जी। देखिए, दूरियों को तो खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट को लेकर वो नहीं सोच रहे हैं। देखिए, इनके लाइफ में टावर मोमेंट बार बार आ रहा है व्यूवर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम्स, फाइटिंग चल रही है। ये डिसीजन जब लेना चाहते हैं तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और यहाँ थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टावर मूवमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइटिंग और लीगल इश्यू बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ट्रैवलिंग भी आज की दिख रही है। बहुत के पार्टनर स्टक जरूर हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत व्यूअर्स, आप लोग का आज कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, या फिर मुझे लग रहा है कि बहुत लोग का कॉल मैसेज रिसीव भी होने वाला है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप कंट्रोल रहेंगे, ठीक है। आपके मूड स्विंग देख रहे हो, कभी आप अच्छा फील करते हो, देख रहे हो यहाँ पे, हो सकता है व्यूअर्स आपके लाइफ में कोई दो चॉइस हो, आप बहुत कंफ्यूज हो कि क्या करूं, एक्शन लू या फिर कोई स्ट्रांग डिसीजन लू, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, कंफ्यूज हो सकता है कि आज मूड आपका कभी अच्छा हो, कभी मूड आपका ऑफ भी हो, मूड स्विंग हो सकते हैं, माइंड आपका डिस्टर्ब हो सकता है, कभी कभी आप माइंड की एनर्जी अंदर देख रहे हो, देखो आपको माइंड दिख रहा होगा, ठीक है। उस पर से यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप भी आज कंफ्यूज रहने वाले हो, माइंड कभी कभी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, डियर माइंड सोल थोड़ा सा आपका कुछ कह रहा है, हीलिंग, ठीक है। देखिए, कमिटमेंट को लेकर ये पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस वक्त आपको वो क्लियर बात नहीं कह पा रहे हैं, बातें वो छुपा रहे हैं, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब है। और यहाँ पे देखिए, हो सकता है उनके लाइफ में टू ऑफ सोर्ड्स हो, टू ऑफ पेंटिकल्स हो, यहाँ आपके भी लाइफ में दो चॉइस हो सकते हैं व्यूअर्स, जहाँ आप कंफ्यूज हो, आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, कि क्या करूँ और कैसे करूँ, या फिर हो सकता है यहाँ कुछ और भी ऑप्शन है, ठीक है, करियर को लेकर भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पार्टनर को लेकर हो सकते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर हो सकते हैं। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, कुछ डिसीजन लूं, लेकिन कंफ्यूज हो जा रहे हो, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है आपका, क्योंकि माइंड की एनर्जी आ चुकी है, आप देख लो, देख रहे हो, माइंड ब्रेन की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है ब्रेन पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, आप दोनों हो, ठीक है। देखिए, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, बट समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, टॉक्सिक लोग हैं कुछ लोग। और देखिए, आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे रिलेटिव भी आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, कोई बीच में रिलेटिव भी है जो आप दोनों को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट, रिवर्स टावर मूवमेंट मुझे दिख रहा, आप देखो टावर मूवमेंट बार बार उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, बहुत ऑब्स्टिकल दिख रहे रिवर्स। देखिए, कुछ व्यूवर्स आज थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करोगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मैं फ्रेंड के साथ बैठ लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा ट्रैवल कर लेती हूँ, मेल हो फीमेल हो व्यूवर्स, या फिर आपको ऐसा लगे थोड़ा शॉपिंग कर लेती हूँ, तो हो सकता है व्यूवर्स आज आप अपने फ्रेंड के साथ, या फिर कुछ लोग पार्टनर के साथ आप लोग मिल सकते हो, बात कर सकते हो, या फिर पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, कुछ के पार्टनर के साथ भी हो सकता है, अपने आप को चेंज करना चाहो, ठीक है, कहा ना मूड स्विंग हो सकते हैं आपके भी, स्ट्रेस आप मत लो, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा, आपको चाहिए कमिटमेंट, जस्टिस, स्टक एनर्जी से आप निकले, ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, लेकिन बहुत लोग का कॉल मैसेज भी रिसीव होगा, ठीक है। देखिए, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग फियर है, बहुत ही स्ट्रांग फियर है, ये जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है,
ये सो नहीं पाते व्यूवर्स, ये सो नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, ये टू सोर्स के पीछे है, मतलब थर्ड पार्टी इश्यू है। जहां देखिए आज बहुत फाइटिंग मुझे दिख रही है, साइन मैं बता देती हूँ, कप्स की एनर्जी है तो पाइसेस, कैंसर, देखिए यहाँ स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पाइसेस है, कैंसर है, ठीक है, वर्गो है, टॉरस है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो कमिटमेंट को लेकर सोच जरूर है व्यूवर्स, क्योंकि ये दूरियों को खत्म आपके पर्सन कहना करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन कॉल मैसेज आएगा, बात करेंगे, रिलैक्स होना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, इनके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, उस डर को खत्म करना चाहते हैं। देखिए डर सबसे बड़ी, इनके ऊपर मैनिपुलेटिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, फैमिली की, पेरेंट्स की, फादर फिगर भी हैं, ठीक है। तो है कमिटमेंट को लेकर ये बहुत, मतलब आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बट सिचुएशन इनको सपोर्ट नहीं कर रही और ये सो भी नहीं पा रहे व्यूअर्स, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, एम लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक क्यूरियस भी दिख रहे हैं, लिब्रा भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जेमिनाई भी दिख रहे हैं, लेटर्स तो मैंने बता दिया, ये तो जोड़ी शाइन है, ठीक है। एम मुझे दिख रहे हैं, लियो फायर साइन, बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी है, लेकिन मूड स्विंग हो रहे हैं, लेकिन कॉल मैसेज की संभावना है, लेकिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चले, आज भी फाइटिंग चल रही है, ठीक है। मैनिपुलेटिंग बहुत आपके पर्सन किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा ना सोचे कि आपके साथ वो गलत करें, लेकिन इनको डिसीजन लेना होगा व्यूवर्स, कुछ तो इनके अंदर गलती है, नो डाउट, ये स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनके हाथ में है। अगर डर है तो डर को इनको खत्म करना होगा, ठीक है, इनके अंदर डर है तो डर को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे जबकि इनके हाथ में है, ठीक है। बहुत यहाँ पे अपने अंदर जो डर को रखे हुए ना, उस डर को निकालना होगा, क्योंकि इनके हाथ में है। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, पेरेंट्स के खिलाफ की बात नहीं है, ट्रेडिशनल ढंग से मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो मैरिज का दबाव पड़ रहा है, कमिटमेंट का दबाव पड़ रहा है किसी और के साथ, या फिर इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर्सन के अंदर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ये अपने आप को कन्फ्यूज कर रहे हैं, जबकि इनके हाथ में डिसीजन है, ठीक है, लेकिन ये ले नहीं पा रहे व्यूवर्स, इनको डिसीजन लेना होगा। थोड़ी सी इनकी गलती है, ये डिसीजन ले सकते हैं, यहां पे थोड़ी सी इनकी गलती मैं देख पा रही हूं कि इनको डिसीजन लेना होगा, डर को खत्म करना होगा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डर तो बहुत है कि मैं खो दूंगा या खो दूंगी, बट ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कोई क्या कर सकता है, आपके अंदर हिम्मत हो, स्ट्रेंथ हो, तो कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी, समाज, इमेज, फैमिली, पेरेंट्स और कुछ इनके लाइफ में जो, अगर इनके लाइफ में कोई अदर है, कोई टॉक्सिक लोग हैं, उनसे मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा व्यूअर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इनकी थोड़ी यहाँ पे गलती मैं देख पा रही हूँ, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, फिर भी ये कंफ्यूज है, तो थोड़ी सी मैं इनकी गलती देख रही हूँ। डर को खत्म करना होगा, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब है, आप दोनों का मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे, क्योंकि 11-11 की एनर्जी आप देख रहे हो, 11-11 की एनर्जी है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल से ये मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन ये आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप दोनों का माइंड मैं देख रही हूँ कि कभी कभी आप दोनों बहुत ज्यादा मिरर करने लगते हो, बहुत प्रेयर प्रार्थना चल रहा है, तो ईश्वर जरूर सुनेंगे, यूनिवर्स जरूर सुनेंगे, मदर गाया जरूर सुनेंगे, एंसेस्टर आपकी जरूर सुनेंगे, बस आप अपनी हिम्मत ना हारे। 11-11 की एनर्जी आई है तो 100% है कि आपकी विश पूरी होगी, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने आप से फाइट ना करें, ठीक है, हिम्मत जुटाए और उनको भी स्ट्रेंथ, मतलब उनको भी स्ट्रेंथ मिले, एक्शन ले, ऐसी एनर्जी आप उनको सेंड करें, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, आप दोनों की है कमिटमेंट को लेकर, तो अभी भी कंफ्यूज्ड है व्यूवर्स, ठीक है, अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है,
थोड़ा सा वक्त लगा रहे विवश, लेकिन इनके अंदर है कि सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। गलती यहाँ पे आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो ये है कॉपी प्रेडिक्शन, ठीक है। यहां से भी मैं ले लेती हूँ एक कार्ड विवर्स, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्टिस्ट दिव्य शक्ति गाइड करें, दादा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, इस वक्त सोच रहे, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है विवर्स, ठीक है। सोच तो रहे हैं, देखिए एक्शन को सोच रहे हैं, कहा ना ये एक्शन लेने को सोच रहे हैं। देखिए 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 ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, कहा ना थर्ड पार्टी से झगड़े चल रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन ब्लॉकेज फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है देखो। लेकिन द फूल की एनर्जी व्यूवर्स, आप द फूल की एनर्जी में हो, ठीक है। आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, कभी आपको लगेगा पेन मिल रहा है, कभी आप द फूल की एनर्जी में रहोगे, कभी इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, फन करोगे, मजा करोगे, हो सकता है कि शॉपिंग करोगे, इस तरह की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की होगी। कभी कभी आपको पेन भी मिलेगा, ठीक है, मूड स्विंग होंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए तो नजर आ रहे हैं डियर, लेकिन ब्रोकन हार्ट की एनर्जी से ये गुजर रहे हैं। आपकी तरफ देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी सोच रहे हैं इस पर, काफी सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, कमिटमेंट को लेकर ये काफी सोच रहे हैं। कॉल मैसेज बहुत लोग का आया होगा और बहुत लोग का कॉल मैसेज आने वाला है डियर। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एट नंबर आपके लिए खास हो सकता है, द फुल की एनर्जी व्यूअर्स, अच्छी बात है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, एट नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस, तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फील, काफी सोच रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आप अपने मूड को सही रखें, माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, कभी कभी द फुल की एनर्जी में आते हो, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव और स्ट्रांग, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग, बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगा, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखना है। लेकिन आप लोग की अच्छी शादी होगी, ट्रेडिशनल शादी होगी और सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा, बस आप लोग पॉजिटिव रहें, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।